प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी में मंदिर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है। ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए आज हमारे यहाँ गुजरात में कार्यक्रम है। नवीनकरणीय ऊर्जा के अलग अलग प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन कम करना और इन क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने का पीएम मोदी का प्रयास है। बता दें कि नवीनकरणीय ऊर्जा निर्माण और उपयोग में भारत की प्रभावी प्रगति पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम को री इन्वेस्ट 2024 का नाम दिया गया है। मिशन 500 गीगावाट कार्यक्रम का केंद्रीय विषय है। इस ढाई दिवसीय सम्मेलन में नवकरणीय ऊर्जा के लिए अभिनव वित्त पोषण, ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य के ऊर्जा समाधानों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। समिट में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के रूप में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे तथा भागीदार राज्यों के रूप में मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश भाग ले रहे हैं। गुजरात इस समिट का मेजबान राज्य है। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते से यहाँ का जो कार्यकाल रहा है, गुजरात मॉडल है एक तरह से विकास के सभी क्षेत्रों में, खास करके ऊर्जा के क्षेत्र में। और ऊर्जा में भी अब नवकरणीय ऊर्जा को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी देश में एक अभियान की तरह, एक आंदोलन की तरह ले रहे हैं, उसी का आज एक पार्ट हमारे यहाँ गुजरात में आज एक दिन का पूरा कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में नवकरणीय ऊर्जा के अलग अलग प्रयोग जिसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करना, सूर्य आधारित अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं के, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रल पावर, इन सब सेक्टर में जो प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी का प्रयास है, बिना ऊर्जा के विकास संभव नहीं, और नवकरणीय ऊर्जा उसमें सोने पे सुहागा जैसी है।